तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आप कौन से 5 प्लांट लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो नंबर 1 प्लांट आता है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट को आपको, अगर आप मनी प्लांट उगाना चाहते हैं तो आप इसको कम शेड वाले एरिया में लगाएं और इसको पानी टाइम टू टाइम दें, वरना इसकी लीफ बर्न होने लगेगी इस तरह। और इसे धूप लगने, अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो इसकी पत्तियां ऐसे बर्न होने लगेंगी या पानी के कारण। तो ये मेरा डायरेक्ट सनलाइट में लगा है, इसकी वजह से ये इसकी पत्तियां हल्की हल्की साइड से जलने लगी है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे प्लांट पे, ये हमारा जैस्मिन का प्लांट। तो इस प्लांट की ये खासियत है कि ये आपको वाइट कलर का फ्लावर देते हैं गर्मियों में। अभी तो मानसून एक तरीके से ख़त्म ही होने वाला है कुछ टाइम में, तो इसलिए ये भी आपको 30 या 40 रुपये में मिल जाएगा। और मैं तो भूल ही गया कि मनी प्लांट के रेट, मनी प्लांट को भी आपको 10 या 15 रुपये में मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं आपके थर्ड प्लांट पे। थर्ड प्लांट है आपका चंपा का। ये देख सकते हैं मैंने इसको इधर से कट कर दिया, इसलिए इसकी इधर से नई नई ये ब्रांच सी निकल रही है, क्योंकि एक था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने कट कर दिया। तो इस पौधे के बारे में बताऊँ कि इसको भी आप, इसकी मिट्टी आपको ध्यान दें कि इसमें हर टाइम नमी होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं मैंने इसको हल्के बड़े गमले में लगाया है, इसलिए इसकी पत्तियां इतनी सारी निकल रही हैं, वरना आपकी और भी कम पत्तियां निकलेंगी, क्योंकि मैंने इसको काट दिया है, वरना आपको मैं पहले की वीडियो देखता। तो प्लांट नंबर 4th पे आते हैं। तो ये आपका प्लांट नंबर 4, इससे ये एलोवेरा, ये भी आपका बहुत ही अच्छा पौधा है। ये देख सकते हैं इसके कितने सारे पप्स निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इसी का है ये सब। ये भी आपको 30-40 रुपये मिल जाएगा। इससे कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, फेस वॉश, हेयर जेल, मेरी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये भी आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है लगाना। इसके लिए आपको बड़ी स्पेस चाहिए, आप इसको बड़े गमले में ना लगाएं, बल्कि आपको गहरा गमला होना चाहिए, मतलब कि एक तरीका से फैला सा गमला। तो प्लांट नंबर 5, तो ये हमारा प्लांट नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, ये गेंदे का पौधा है। आप इनको बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं इस पौधे की। ये देख सकते हैं मेरे इतने बड़े गमले में लगाया है, इतना सा छोटा पौधा। इसके पीछे एक फाइकस लगा है, तो इसके बारे में बात करूँ, इसको भी हर टाइम नमी वाला मिट्टी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं इसमें अभी कितनी नमी है, इसको आप कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये आपको 5-10 रुपये में मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना।